यस। सो ये सब चीजें हम लोगों को अजम्पशन में लिखना है कि नो रूमर अबाउट द फ्यूचर, मीन्स नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर, और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर कॉन्स्टेंट, यूनिट्स आर डिविजिबल। तो ये अपने को जनरली अजम्पशंस जो हम लोग मानते हैं, जो हम लोग देखते हुए आए, वही अजम्पशंस को हम लोगों को लिख देना है, ठीक है? देन लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसको बड़ा इन्वर्टेड कॉमास में हम लोग लिख लेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड, इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट, इफ द प्राइस राइज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, इफ द प्राइस फॉल्स डिमांड एक्सपांड्स। तो दैट्स इट अबाउट द एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड। देन अपने को क्या करना है, जस्ट एक्सप्लेनेशन विद द टेबल। एक सेकेंड, एक्सप्लेन करना है टेब्यूलर फॉर्म में दोनों चीजों को, जैसे यहां पर आपके बुक में एक्सप्लेन किया है टेब्यूलर फॉर्म में। तो यहाँ पे बताया है आपको फोर कॉलम्स, चार कॉलम दिए हुए आपको, यूनिट्स ऑफ एप्पल, मार्जिनल यूटिलिटी, यूनिट्स ऑफ एप्पल, मार्जिनल यूटिलिटी, MU हम लोग गिनते हैं उसको, देन प्राइस और डिमांड, ठीक है? ये टेब्यूलर फॉर्म आपको दिया हुआ है कि वन एप्पल मार्जिनल यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट रहेगी, सेकेंड एप्पल खाएंगे तो थोड़ी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। हाँ, मतलब क्योंकि सबसे पहले, अब हमारा पेट है खाली और हम लोग सबसे पहला एप्पल खाएंगे तो यार सेटिस्फेक्शन लेवल जबरदस्त का होगा, फिर धीरे क्या हो जाएगा, सेकेंड एप्पल खाएंगे तो थोड़ा पेट तो बढ़ा हुआ था तो सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा कम हो गया, फिर तीसरा खाएंगे तो ठीक है दो खा लिए ऐसा वाला होगा हमारा, चौथा खाएंगे, पांचवा खाएंगे, सिक्स्थ वन खाने लगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, सेवेंथ खाए तो नेगेटिव में कन्वर्ट होनी होनी है, ठीक है? सो मार्जिनल यूटिलिटी भी इस तरीके से, जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ एप्पल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, राइट? और जैसे आप इवन चपाती भी ले सकते हो कि आप एक चपाती खाई दो खाई, पहले चपाती में तो क्या सेटिस्फेक्शन लेवल, मतलब हम लोग कहीं से ऐसे कि सबसे इतनी जोरदार की भूख लगी हो हम लोगों को और हम लोगों ने आके गर्मा गर्म खाना खाया हो, या हम लोग कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और बीच में कहीं पे दाबे पे हम लोग को इच्छा हो गई कि यार हम लोगों को खाना खाना है, बड़ा भूख लगे हमको, तो हम लोगों ने पहली रोटी खाई तो सेटिस्फेक्शन लेवल सोचो आप कैसा जबरदस्त का होगा, दूसरे पे खाएंगे तो हाँ ठीक है, तीसरा खाएंगे हाँ और भी आने दो आने दो, बट एक लिमिट आ जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है? डिमांड नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होती है, एक ये चीज का याद रखना है आपको, बट मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकती है, टोटल यूटिलिटी भी नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सो अपने को मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव जा सकती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कैसे, वन एप्पल 50 सेटिस्फेक्शन, टू एप्पल्स 40, थ्री एप्पल्स 30, फोर एप्पल्स 20, फिफ्थ एप्पल लेंगे तो 10, सिक्स लेंगे तो जीरो हो जाएगा भाई। सेम एज इट इज प्राइस एंड डिमांड का भी हम लोगों ने देखा कि अगर प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया हुआ है आपके बुक में, अच्छा 50 वाला लिया हुआ है भाई, प्राइस अगर 50 है डिमांड एक, प्राइस अगर 40 हो गई डिमांड बढ़ गई हमारी, प्राइस अगर 30 हो गई डिमांड हो गई तीन, प्राइस अगर 20 हो गई तो डिमांड हमारी बढ़ गई चार, प्राइस हो गई 10 डिमांड हो गई हमारी पांच, ठीक है? तो इस तरीके से ये टेब्यूलर फॉर्म में लेकर हम लोगों को क्या करना है, दो ग्राफ्स बनाने हैं साइमेंटेनियसली ऐसे साथ साथ में, क्या करना है, ये टेबल के नीचे ही आप जनरली डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हो, आपके पेज पे दिया हुआ है ना फोर्थ वाले पेज पे, आप वो नहीं पे बनाओ तो चलेगा कि भाई डिमांड आपको बताना नहीं है भाई, डायरेक्ट बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोगों ने जैसे ये एक मार्जिनल यूटिलिटी का बनाया हम लोगों ने ग्राफ, और साइमल्टेनियसली हम लोगों ने डिमांड का भी बनाया, समझे? तो सेम एज इट इज हम लोगों को देखना है कि भाई अगर इधर 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा हमारा,
और ये क्या होगा, दोनों सिमिलर पॉइंट पे आएंगे ऐसे। तो हम लोगों को साइमेंटेनियसली ये चीज बनानी है, मार्जिनल यूटिलिटी का भी और डिमांड का भी, दोनों को ऐसे साथ में बनाना है और फिर हम लोगों को बताना है कि भाई दोनों जैसे सेम हो रहे हो, ठीक है। सो ये हम लोगों ने ग्राफ बताया। तो पहला स्टेप हमारा इंट्रो, अजम्पशन, लॉग डिमांड, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को ही थोड़े आप सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर दो कि भाई अगर हम लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं एप्पल्स और उस तरीके से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, तो पहले इन दो के बारे में बताओ और फिर प्राइस और डिमांड के रिलेटेड बताओ कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है। सो हम लोगों को थोड़ा सेंटेंस पे बताने का, एंड देन हम लोगों को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने की, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, सॉरी यूनिट्स ऑफ एप्पल, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एप्पल, इधर है डिमांड और इधर है प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम बना देंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है दोनों ही, और डिमांड प्राइस का रिलेशन क्योंकि नेगेटिव है, और इवन यूनिट्स, जितने ज्यादा हम लोग यूनिट्स कंज्यूम करेंगे उतना हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे नेगेटिव कन्वर्ट होता जाएगा। इसका भी क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज्यादा क्वांटिटी हम लोग लेंगे उतना हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, एक लिमिट तक नीचे नीचे आता जाएगा, डिक्रीजिंग वे में होता जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बाद थोड़ा बहुत 4-5 लाइन में एनालिसिस कर दो, डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये सब कुछ, और उसके बाद लिमिटेशन बताओ कि लॉ ऑफ डिमांड कौन से चीजों पे सूट नहीं होता है। प्लस यहाँ पर एक चीज आती है कि मार्जिनल यूनिट हम लोगों ने मेजर किया है इन नंबर्स, जबकि एक्चुअली नहीं होता है मेजर्स, राइट। इवन हम लोगों ने टेस्ट प्रेफरेंस को कॉन्स्टेंट रखा और ये सब, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी सारी चीजें नहीं होती है। प्लस अब एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि जो प्रेस्टिजियस गुड्स है, ठीक है, जैसे लग्जरियस गुड्स वगैरह होते हैं, तो वो खरीदता कौन है, ऑफकोर्स रिचर क्लास वाले लोग। अब वो प्रेस्टिजियस गुड्स का जितना प्राइस बढ़ेगा उतना उसका डिमांड क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी, बेंस का अगर प्राइस बढ़े तो उल्टा वो रिचर क्लास वाले लोग ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि दैट शोज द स्टेटस, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो द लिमिटेशन, कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड भी बढ़ रही है, तो प्रेस्टिजियस गुड्स क्या हो जाता है, उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, ठीक है। तो एक ये चीज आ जाती है, दूसरी चीज आ जाती है इंफीरियर गुड्स। अगर अपने राशन की दुकान से चीज खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमारा इतना कैपेसिटी नहीं है, हम लोग कोई राशन की दुकान से हम लोग वीट या फिर राइस और ऐसे सब चीजें हम लोग खरीदते हो, हमारी इनकम 20 रुपए जितना है और हम लोग 1 किलो जितना ही खरीद पाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम हो गया, तो क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी कि हम लोग कुछ नया, मतलब अच्छे वाले गुड्स खरीद सकते, सुपीरियर गुड्स खरीदेंगे, सुपीरियर गुड्स हम लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारे पास 20 रुपए है, 20 रुपए में हम लोग 1 किलो तो खरीद लेते थे पहले इंफीरियर गुड्स, लेकिन इंफीरियर गुड्स का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया है अभी, तो इट्स बेटर कि वी शिफ्ट टू द सुपीरियर गुड्स। तो ऐसा भी होता है कि प्राइस कम, इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम भी हो जाता है ना, तो भी हम लोग डिमांड इंक्रीज नहीं करते। तो उसमें इंफीरियर गुड्स में और प्रेस्टिजियस गुड्स में दोनों में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, सो दैट इज द लिमिटेशन। और मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों ने उसको मनी में मेजर किया है, यहाँ पर 50 रुपए, 100 रुपए, मतलब 50, 40, 30 ऐसे मेजर किया है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो हम लोगों को इसी तरीके से लिमिटेशन, 4 से 5 लिमिटेशन अगर आप लिख कर आते हो, देन ऑल्सो इट्स इनफ, ठीक है। सो ये आपका बेसिक आंसर रहा, आपका कम से कम 20 मार्क का तो ये क्वेश्चन होगा ही, क्योंकि अगर जैसा पेपर पैटर अगर SAM 3 और SAM 5 वाला चला, तो 20 मार्क्स में ये पूरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, एंड यू हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है।
ठीक है. सो क्लियर हो गया ये वाला आंसर आपका एवरीवन, कि आपको कैसे लिखना है और क्या लिखना है और कंसेप्ट क्या है. यस मैम. यस, एनी डाउट एनीवन? किसी को कोई भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है, बिकॉज यहाँ पर ये वाले कंसेप्ट में मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को हम लोग सेम दिखा रहे हैं, दोनों कंसेप्ट को साथ में ले आ रहे हैं कि भाई दोनों कंसेप्ट एक जैसे ही है, दोनों में डिमिनिशिंग जैसा ही चीज दिखा रहे हैं हम लोग. सो इसी वजह से आपके क्वेश्चन का नाम है लॉ ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. यूटिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे ही लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट रेडी हुआ है और ये कंसेप्ट मार्शल जी ने रेडी किया है. ठीक है, समझ में आ गया हर किसी को? एवरीवन क्लियर टू दिस कंसेप्ट? यस मैम. ओके फाइन, चलो. सो दैट्स इट. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर मेरा पहले मैनेजमेंट का आएगा एंड देन फिर मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर लूंगी. चलो ओके, सो बाय बाय एवरीवन. थैंक यू. Have a nice day.